फॉरन ऑफ एन ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस की बेसिकली जो हम ये अप्लाइंसेस चूज़ कर रहे हैं, जो हम ये बातें कर रहे हैं अप्लाइंसेस की कि ये टाइप्स की बातें कर रहे हैं, तो बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमको क्या देखनी है, तो सबसे पहले कि बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, फिर मैकेनिकल, एस्थेटिक और हाइजीनिक। बायोलॉजिकल मतलब कि क्या बायोलॉजी, टूथ बायोलॉजी या टूथ मूवमेंट में क्या किस तरह की हेल्प करेगा। दूसरा फिर होता है मैकेनिकल रिक्वायरमेंट, मैकेनिकल मतलब कि किस तरह का स्ट्रेंथ दे रहा है, क्या चीज़ है। एस्थेटिक मतलब दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, और हाइजीनिक मतलब कि फूड लॉजमेंट वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्लीनिंग प्रॉपर तो हो रही है ना। ओके, सो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले एप्लीकेशन जो है उसको डिज़ायर टूथ मूवमेंट करना है अप्लायंस को, और जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस है उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि रूट रिजॉर्प्शन हो रहा है, पेरिडोंटल डैमेज हो रहा है, या फिर नॉन वाइटलिटी हो रही है टूथ की। और जो अप्लायंसेस हैं उसको इंटरफेयर नहीं करना है नॉर्मल ग्रोथ से और ना ही नॉर्मल फंक्शन से। और जो अप्लायंसेस है उसको सडन चेंजेस नहीं लाने हैं या फिर अनवांटेड टूथ मूवमेंट नहीं करना है। ये देखिए सबसे पहले फिगर इसमें क्या है, हॉलेस रिटेनर है ए में, तो ठीक है, एक रिमूवेबल पैसिव अप्लायंसेस है। उसके बाद बी वाले में है रिमूवेबल मैकेनिकल अप्लायंसेस, जिसमें स्क्रू दिया गया है आर्क एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सी वाला है दैट इज एक्टिवेटर, एक रिमूवेबल मायोफंक्शनल अप्लायंसेस। डी वाला है हर्ब्स्ट अप्लायंसेस, मतलब कि एक फिक्स्ड मायोफंक्शनल अप्लायंस। ई वाला है जैस्पर जम्पर, एक फिक्स्ड मायोफंक्शनल अप्लायंस। सो जो रिमूवेबल और फिक्स्ड अप्लायंसेस है इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में और डिटेल्स देखेंगे। ये तो जो बेसिक है एकदम, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारा बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट था कि जो मटेरियल है उसका फैब्रिकेशन जो है बायो कंपैटिबल होना चाहिए, और टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, कि मटेरियल ऐसा हो कि वो हमारे टूथ में या हमारी ओरल कैविटी में कोई ill effects नहीं करे। अब जो अप्लायंस है उसको डिसइंटीग्रेट नहीं करना है ओरल फ्लूड में। मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स देखें तो अप्लायंस को सिंपल होना चाहिए फैब्रिकेट करने के लिए, बल्कि नहीं होना चाहिए, पेशेंट को कंफर्टेबल रहना चाहिए यूज़ करते टाइम। और अप्लायंस जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो विदस्टैंड कर सके मैस्टिकेटरी फोर्सेस, और अप्लायंसेस जो है उसको जो कंट्रोल्ड फोर्सेस, जितना फोर्स की ज़रूरत है उतना ही फोर्स दे, और जो डिज़ायर्ड इंटेंसिटी की फोर्स दे, डायरेक्शन ड्यूरेशन सब चीज़, इंटेंसिटी डायरेक्शन और ड्यूरेशन। और अप्लायंस जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब कि अलग अलग मैलक्लूजन्स को हैंडल कर सके, मतलब एक पर्टिकुलर माल टाइप ऑफ माल ओक्लूजन के लिए अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप का अप्लायंस बनाएंगे तो इट विल बी रियली एक्सपेंसिव एंड इट विल नॉट बी ईजी फॉर टू ट्रीट एवरी वन फ्रॉम द सेम थिंग, और लाइक फॉर इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ डेंटिस्ट टू डू सच थिंग फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। ओके, सो हाइजीनिक रिक्वायरमेंट ये है कि सेल्फ क्लेंजिंग होना चाहिए, इफ़ नॉट इट शुड बी ईजी टू क्लीन। अगर खुद सेल्फ क्लेंजिंग नहीं कर रहे हैं